कारगिल के निर्वाचित सदस्य का शपथ समारोह हुआ आयोजित। मलिक शब्बीर अहमद ने निर्वाचन क्षेत्र 21 थांग डुमुर के निर्वाचित सदस्य को पद की शपथ दिलाई। शहीद विक्रम बत्रा क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। फ्रेंड्स चिक्तन ने शीना 11 को हराकर जीता टूर्नामेंट। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने श्रीनगर बेंच के लिए रात्रि भोज का आयोजन। सीईसी ने ट्रिब्यूनल सदस्यों के दौरे के लिए उनका आभार किया व्यक्त। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेर। ने शुरुआत करने लद्दाख की कुछ खास और अहम खबरों की। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश कारगिल मलिक शब्बीर अहमद ने आज सैयद मेहदी मेमोरियल हॉल में आयोजित एलएचटीसी कारगिल के निर्वाचन क्षेत्र 21 थंग डुमुर के निर्वाचित सदस्य को पद की शपथ दिलवाई। निर्धारित पदाधिकारी के रूप में न्यायाधीश मलिक शब्बीर अहमद ने शपथ ग्रहण का संचालन किया। शपथ समारोह में परिषद के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति देखने को मिली। नव मनोनीत सदस्य ने प्रशासन में सुधार, सार्वजनिक शिकायतों को दूर करने और समुदाय के समग्र कल्याण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए जिले के विकास के लिए काम करने का संकल्प लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुफव्विज अमरी इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। आज हमें ये मौका नसीब हुआ कि लोगों ने मुझे मैंडेट देकर अपने खिदमत करने के लिए सांगपुर कांस्टिट्यूएंसी के लोगों ने मुझे इंतखाब किया। लिहाजा आज रस्मी तौर पर हमने यहाँ सैयद मेहदी मेमोरियल ऑडिटोरियम हॉल में हमारा हलफबरदारी हुआ। यहाँ से हमारा खिदमत गुजारी शुरू होगा और मैं अल्लाह ताला से शुक्रिया अदा करता हूँ, तौफीक मांगता हूँ कि हमें इन लोगों की खिदमत करने की तौफीक अता करें। इंशाल्लाह जितना मुमकिन हो सके हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की खिदमत करने की कोशिश करें। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या तरजीहात है सर? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है हमारे हसांगपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये पानी की क्राइसिस है, उसको बहाल करने की मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। अभी वक्ती तौर पर तो वहाँ पर लोगों को पानी की बहुत किल्लत है। वहाँ पर जीजीएम जो है वहाँ पर उनको सही तरीके से फंक्शनल नहीं हुआ, तो सबसे ज्यादा खुद सांगपुर के 21 थानों का जिससे के लोगों के लिए सबसे ज्यादा अहमियत इस वक्त जो है। वीर बलिदान शहीद विक्रम बत्रा क्रिकेट टूर्नामेंट में फ्रेंड्स चिक्तन द्वारा शीना 11 को हराकर जीत का खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट का आयोजन सुकरचंद लाठो और भारतीय सेना द्वारा रवरी सुल्तान चौ स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। ऐसे अद्भुत टूर्नामेंट के आयोजन के लिए भारतीय सेना और स्कारचन लाटू स्पोर्ट्स क्लब को धन्यवाद दिया गया। पहले मैं सारे टीम्स का शुक्रिया अदा करता हूं और सारे टीम के कैप्टन्स का शुक्रिया अदा करता हूं। बिल्कुल बिगिनिंग से उनका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है हमें, चाहे मॉर्निंग में हमें 6 बजे से मैच स्टार्ट करना पड़े और इवनिंग लेट तक हमें चलाना पड़ा, तो उसके लिए सारी टीम्स ने हमें कोऑपरेट किया और किसी भी हासिल बसल के बिना जो है ये टूर्नामेंट काम पजीर हुआ, इसके लिए मैं सारे टीम कैप्टन्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इस तरह के जो टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने एक अच्छा यहाँ पे टूर्नामेंट चला, तो फ्यूचर में भी क्या इस तरह के टूर्नामेंट आप फिर से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? इस टूर्नामेंट को हमने कैप्टन विक्रम बत्रा के जो कि एडीसी हैं उनके नाम पर हमने इस टूर्नामेंट को चलाया है और हमारा ये विजन है कि हम इस टूर्नामेंट को हर साल चलाएंगे, उनके नाम पर चलाएंगे और इस टूर्नामेंट को हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नहीं बल्कि स्टेट लेवल पर भी इसको चलाने की कोशिश करेंगे। और इन फ्यूचर अगर हमें और भी यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मिलता है तो इसको हम और भी एक अच्छे लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। इंडियन आर्मी का काफी सपोर्ट रहा, तो सिमिलरली काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कितना सपोर्ट? हमें बिल्कुल बिगिनिंग से ही हमारे डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस से बिल्कुल बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। एलएचडीसी कारगिल हमारे काउंसिल से हमें हर टाइम हमें फ़ोन आते थे, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम प्रोवाइड कर देंगे। उन्होंने पूरा ये ग्राउंड, इसमें जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारा हमें प्रोवाइड किया है। डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स ऑफिसर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, खास करके इंडियन आर्मी का। इंडियन आर्मी का सबसे पहले तो हमें ये नाम रखने के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था, तो पहले ही दिन हमारे कमांडर साहब ने हमारे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उसके साथ
पूरा जितने भी आप देखते हैं आर्मी का अभी पूरा फाइनल का ऑर्गेनाइज जो है वो हमारे इंडियन आर्मी ने किया है, कमांडर साहब ने किया है, तो उनके पूरे टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो पिछले दो महीने से आप ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा था, तो किस तरह की चैलेंजिंग था यहाँ पे इस ग्राउंड को लेके, क्या यहाँ पे आगे बनाने का वो है चैलेंज यही है कि मतलब हमारे पूरे आप देखते हैं टाउन एरिया में सिर्फ ये अकेला ग्राउंड है जिसपे सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं और जिसपे बीच में जो है टूर्नामेंट को बीच में ब्रेक करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। तो हमारे लिए यही है कि आसपास में अगर दो तीन ग्राउंड और इस लेवल के हमें ग्राउंड मिल जाए तो बहुत सारे ग्राउंड टूर्नामेंट्स हम चला सकते हैं और यूथ्स को ऐसे टूर्नामेंट में इन्वॉल्व करके हम उनको बहुत सारे गलत चीज़ों से हम बचा सकते हैं, उनको यहाँ वापस ला सकते हैं। गेम में होता है कोई जीतता है कोई हारता है, आज हमारी अपोजिट टीम ने बहुत अच्छा खेला है तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और बाकी हमारे प्लेयर्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं नेक्स्ट टूर्नामेंट में। तो ये होता है सर, जीत हार तो लगी रहती है। टूर्नामेंट के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की जी टूर्नामेंट की सर बात करें तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया स्कर्चन वालों ने, तो उसका उनका मैं पहले तो उनको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी चीज़, आज जो दो टीमें आज हमारी टीम और अपोजिट टीम जो चिकतन की थी उन्होंने खेला तो आप लोगों ने देखा बहुत अच्छा मैच हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ। तो सर हम हार गए, हमारा डे नहीं था, तो इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे अच्छा खेलने की। बाकी उनको एक बार फिर चिकतन वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कहाँ कमी पेशी रही आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है हमारी बॉलिंग में थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा रन्स लीक किए हमने वहाँ हम लेग कर गए, नहीं तो शायद मैच हम जीत जाते, वहीं 30 रन से हम हार गए और 33 रन की 35 ऑड रन हमने एक्स्ट्रा दिए थे तो उसी से हमारे। थैंक यू, शुक्रिया आप सभी लोगों को, मीडिया वालों को यहाँ पे आके कवरेज लेने के लिए आज के मैच का। तो सबसे पहले तो मैं जो टूर्नामेंट जिसके नाम पे चला टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा जिनकी हमारे बॉर्डर पे जिनकी सुरक्षा की वजह से, जिनके वहाँ के बहादुरी और उनकी कुर्बानियों की वजह से हम आज यहाँ पे सुरक्षित है और ये सारे चीज़ें हमें खेलने को मिल रहा है। तो सबसे पहले उन शहीदों को हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर पा रहा है। तो सर इसके बाद जो है हम, जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ तो जो फ्रेंड चिकतन जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था 2019 में हमारे इफ्तिखार भाई ने, तो आज ये इसका जो है पाँचवा साल चल रहा है। तो इसी जैसे कि हमारे आज के सीसी डॉक्टर जाफर साहब ने कहा कि पिछले साल भी हम इस चीज़ का विनर रहने में कामयाब रहा था तो ये इस साल भी हम विनर रहा है। तो हमारा मेन चीज़ मोटिव अब यही है कि सिर्फ विनर हासिल करना हमारा मोटिव नहीं है, हमारा ये है कि ब्रदरहुड। जैसे LASTC कारगिल ने अध्यक्ष कार्यकारी पार्षद डॉक्टर मोहम्मद जाफर खून के नेतृत्व में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल श्रीनगर बेंच के सदस्यों के लिए हाईलैंड माउंटेन रिजॉर्ट एंड स्पा में रात्रि भोज का आयोजन किया। CEC ने ट्रिब्यूनल सदस्यों के दौरे के लिए उनका आभार व्यक्त किया। कारगिल के लोगों के लिए प्रशासनिक न्याय सुनिश्चित करने में कैट की उपस्थिति के महत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन है। अलेजर जोल्डन मेमोरियल कॉलेज ले ने अलुमनी मीट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व छात्रों ने भाग लिया और साथ ही अपने अनुभव साझा किए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रिंसिपल डॉक्टर समीना इकबाल की उपस्थिति देखने को मिली, जबकि वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर अरिंचन एग्मो IQSC संयोजक सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दोनों ने सभा को संबोधित करते हुए पूर्व छात्रों की उपलब्धियों की सराहना की और संस्थान के भविष्य को आकर देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। एक दिवसीय खाद्य सुरक्षा पंजीकरण और लाइसेंसिंग अभियान का आयोजन GM पोर कारगिल में किया गया। खाद्य व्यवसाय प्रतिष्ठान में संबंधित लोगों द्वारा शिविर का लाभ उठाया गया। प्रथम महिला श्रीमती नीलम मिश्रा ने लेह शहर की स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए ऊपरी और निचले लेह क्षेत्रों के 4 नंबरदारों के साथ एक बैठक बुलाई। प्रथम महिला ने लेह को एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ शहर बनाने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने रिसाइकिलिंग के लिए ट्रेटा पैक, रैपर कागज और मेडिकल कचरे की अलग करने की सहित प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला। शकर चिकटन कारगिल में एक दिवसीय खाद्य सुरक्षा पंजीकरण और लाइसेंसिंग अभियान का आयोजन किया गया। खाद्य व्यवसाय प्रतिष्ठान से जुड़े लोगों ने शिविर का लाभ उठाया।
मोहम्मद रमजान, एसडीएम ने स्कूल परिसर में हुई घटना की जांच के सिलसिले में पीपी सांकू के साथ गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया। उन्होंने स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षण संकाय से मुलाकात की और 17 तारीख की रात को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में पूछताछ की। संबंधित हेडमास्टर ने अधिकारी को घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 17 अक्टूबर को एक बाहरी व्यक्ति ने रात के समय 9:30 बजे स्कूल परिसर में अवैध रूप से प्रवेश किया और भोजन कक्ष से बाहर आए एक छात्रा को थप्पड़ मारकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। ये कहना चाहूँगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ ये बहुत शर्मनाक इंसिडेंट है, ऐसा होना नहीं चाहिए था एट द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ। बाकी विल जैसे अभी मैंने यहाँ इनके साथ हैं, उनके साथ बैठ कर उनके साथ पूरा डिस्कस किया है, हमारी मैडम भी साथ में थी, वी हैव इंश्योर्ड कि इंशाल्लाह जो द कल्प्रिट ही डजंट गो स्कॉट फ्री विल टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम। इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रही है, वंस द इन्वेस्टिगेशन गेट्स कम्प्लीट कंक्लूसिव एविडेंस हमारे पास आकर विल डेफिनेटली लॉ विल टेक इट्स कोर्स ऑफ एक्शन, विल नॉट लेट हिम गो स्कॉट फ्री। और ख़ासकर हमारे टीचर साहिबान इन्हीं की वजह से ही चाहे किसी भी तबके से किसी भी शोबे में क्यों ना हो, इज ऑनली बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ देयर वर्क, बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स हम मेरे जैसे मैडम सब वी ऑक्यूपाई द डिफरेंट ऑफिस। और इनके साथ ऐसा होना एंड देयर विक्टिमाइज्ड, आई लिटरली फेल्ट फॉर दैट टीचर स्पेशली मिस्टर जुल्फिकार, द सॉर्ट ऑफ पेन एंड सॉर्ट ऑफ ड्रामा आई कुड सी इन हिज आइज, दैट वॉज नॉट लेस देन अ नर्वस शॉक टू मी। सो डेफिनेटली आई विल नॉट लेट दैट फेलो गो स्कॉट फ्री, विल टेक एन एक्शन। बिसाइड दैट आई हैव ऑलरेडी instructed madam as well as the HOI here to have some certain structural and infrastructural upgradations for that. They will write to me and I will ensure that those things are matured on the time basis, and as soon as possible we'll conclude it, and I assure my teachers that you need not to worry about it. The whole civil society is with them, whole administration, my team, every fellow who works in the subdivision which is under my control, they are all with them, especially this civil society people from civil society, or for that matter the police. We'll ensure certain things were discussed and we'll make sure that those things are carried in letter and separate. And I again reiterate that this culprit, once convicted, will not let him go spot free. He will have to pay for this sort of infliction, the crime he has committed, trespassing, criminally trespassing the school boundary and then assaulting girls. That will not let him go free. Law will take its course of action. I'm monitoring it closely. In charge PPO, PP is also giving the regular inputs. I definitely will work on it. यस सर। सर, एक हॉस्टल्स में जिस तरह के फैसिलिटीज़ होना चाहिए वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, और साथ ही साथ एक यहाँ पे जो है गर्ल्स हाई स्कूल में एक खासकर फीमेल टीचर होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। डिग्री कॉलेज नोबरा में नोबरा आइडियोशन का आयोजन सरकार द्वारा किया गया। आडियोथॉन का व्यापक विषय युवा दिमाग के माध्यम से नवाचार और स्थिरता का पोषण था। नोबरा आइडिया थॉन का उद्देश्य छात्र नेतृत्व वाले नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस आयोजन में नुब्रा क्षेत्र के आसपास के स्कूलों की 30 टीमों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र की शुरुआत प्रिंसिपल गवर्नमेंट डॉक्टर सेवांग मोटुप के स्वागत भाषण से हुई। तो हमने हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल है मैग्नेटिकल लेविटेशंस और मैग्नेट टेक्नोलॉजी से ट्रांसपोर्टेशन, जिसका मतलब ये है कि हम पावरफुल मैग्नेट्स को यूज़ करके किसी भी चीज़ को लेविटेट करते हैं। तो ये हमने जो वो बनाई मैम इलेक्ट्रिक फ्रेंस बनाई मैम, इसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों का ज़्यादातर चीज़ें नहीं चाहिए मैम, बस थोड़ा सा ही चीज़ चाहिए। इसमें ना कोई फ्रिक्शन चाहिए होती है, ना कोई इंजन चाहिए होती है, ये सिर्फ मैग्नेट के ज़रिए से वो चलती है मैम। तो ये हमने मैग्नेटिक फोर्सेस मतलब क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये होता है कि नॉर्थ पोल हमेशा रिपेल करती है मैम ईच अदर। आप देख सकते हैं कि जब हम ये दोनों आपस में लड़ने की कोशिश कर भी रहे हैं लेकिन वो दोनों रिपेल कर रही है मैम। तो ये भी साउथ पोल भी दोनों सेम पोल है, तो जब साउथ पोल लाएंगे तो वो भी रिपेल करेंगे मैम, क्योंकि वो दोनों भी सेम पोल है। और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये डिफरेंट पोल का है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है जो कि ये होती है मैम।
तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, जिसमें हम किसी भी सब जो है आयरन के स्टील का बना होती है, सब कोई आयरन कोई कॉपर अलग अलग चीज़ का बना होती है, लेकिन किसी में जो है मैग्नेटिज्म ज़्यादा होती है और किसी में मैग्नेटिज्म कम होती है। अभी हम इसको जो है मैग्नेटिक बनाएंगे, ये तब बन सकती है जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये मैग्नेट बन सकती है मैम। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर कंपास रखी है, जब हम इसको टच करें दोनों मिलाएंगे ये डिफ्लेक्ट हो रही है मैम, थोड़ा मूव हो रही है मैम, इससे ये पता चलती है कि ये नेल भी जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म बन गई है मैम जब इसे करंट पास होती है, लेकिन जब करंट पास नहीं होती है तो ये मैग्नेटिज्म नहीं बनती मैम, क्योंकि ये मतलब किसी में मैग्नेटिज्म ज़्यादा होती है और किसी में कम होती है मैम। तो इन्हें चीज़ों को मिला के, और ये है मैम मैग्नेटिक लेविटेशन, जिसका मतलब मैग्नेट को यूज़ करके किसी भी चीज़ को लेविटेट करना। तो जब हम इस रबर को इसमें डालेंगे तो ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ती मैम, जब हम ये मैग्नेट इसमें डालेंगे दोनों सेम पोल का, जो वो रिपेल करती है मैम, देख सकते हैं लेविटेट कर रही है मैम। तो यही इसमें होती है मैम, यही सिर्फ ये तीन चीज़ें होती है, पहला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस और मैग्नेटिक लेविटेशन, और इसमें ना कोई फ्रिक्शन होता है ना ड्रैग एयर होता है, तो इसी से यह चलती है मैम। तो ये जो है अपा अगर मैक्सिमम बात करें तो 1 आवर में 600 किलोमीटर्स वो ट्रेवल कर सकती है मैम, लेकिन अगर हम कई जगह पर जो है 1 आवर में अगर हम कम करें तो 250 to 350 किलोमीटर्स वो चल सकती है मैम। तो ये बहुत यूज़फुल होता है मैम हमारे लिए, क्योंकि ना वो पॉल्यूटिंग होता है ना इंजन ख़राब होता है, सिर्फ मैग्नेट्स का ही बना है मैम। तो गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा, फिलहाल लद्दाख की खास खबरों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।